समय पर संसद की सुरक्षा में चूक मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पश्चिम बंगाल के सौरभ के संपर्क में था आरोपी ललित। सुरक्षा में चूक के तार जो है वो अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं और ऐसा खुलासा किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के सौरभ के संपर्क में आरोपी ललित के होने का दावा है। सुरक्षा में चूक के से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार एक एक करके पर्दाफाश हो रहा है। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, नई जानकारी सामने आ रही है कि इस केस के तार पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। आरोपी ललित ने सौरभ को वीडियोस भेजे थे, ये जानकारी भी सामने आई है। एक एक करके अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में ये बड़ा खुलासा, बड़ा पर्दाफाश, इस वक्त की बड़ी जानकारी न्यूज 18 इंडिया पर। देखिए कैसे एक राज्य से दूसरे राज्य तक इसके तार फैले हुए हैं और ये आरोपी जो है वो कुछ महीनों से नहीं बल्कि बीते कई सालों से एक दूसरे के संपर्क में थे, कैसे संसद की रेकी करने पहुंचे थे। और यहाँ पर देखिए एक एक करके जानकारी मिल रही है। हमारे साथ न्यूज 18 की हमारी सहयोगी आशिका जुड़ गई है, सीधे उनका रुख करते हैं। आशिका, संसद सुरक्षा चूक के तार अब पश्चिम बंगाल से जुड़ रहे हैं, क्या और जानकारी? देखिए लगातार कई एक के बाद एक कैरेक्टर सामने आ रहे हैं। पहले वो नीलाक्ष आईच नाम का एक स्टूडेंट सामने आया था जिसने वो एनजीओ बनाया था जिसके साथ ललित जा जुड़े थे, और अब एक नया कैरेक्टर ये सौरभ चक्रवर्ती नाम का जिसको वो वीडियो भेजा था ललित जा ने और कहा था शेयर करने के लिए। सौरभ ने वो वीडियो शेयर भी किया था लेकिन उसने ये बताया है कि उसको ये जानकारी नहीं थी कि वो वीडियो संसद हमले का है। और बाद में उसने कोशिश भी की ललित झा से संपर्क करने की लेकिन उससे बात नहीं हो पाई है। तो एक एक कर एक तरफ सियासत चल रही है इस घटना को लेकर, दूसरी तरफ नए किरदार सामने आ रहे हैं बंग कनेक्शन के ललित झा के। आशिका, ये सौरभ कौन है, उसके बारे में और क्या डिटेल्स अभी तक मिल पाई है? देखिए अभी तक जो जानकारी मिली है, पेशे से जियोलॉजिस्ट है लेकिन फिलहाल नदिया जिला जहाँ पर घर है उसका, वहां पर वो नहीं है। उसके रिश्तेदार तो वहां पर हैं लेकिन वो सौरभ अपने माँ बाप के साथ वहां पर नहीं मौजूद है। सौरभ ने जो अपना बयान दिया है उसमें ये कहा है कि उसको वो वीडियो आया था, उसने वो सोशल मीडिया पर शेयर जरूर किया था, ललित से बात करने की कोशिश भी की थी लेकिन बात नहीं हो पाई थी, संपर्क नहीं हो पाया था। दोनों सुभाष चंद्र बोस के नाम से एक संगठन के जरिए जुड़े हुए थे और बहुत ही कट्टर विचारधारा के थे, ये सौरभ ने स्वीकार किया है। हालांकि फिलहाल सौरभ से कोई पूछताछ नहीं हुई है। बिल्कुल, तो लगातार एक एक करके नए किरदार सामने आ रहे हैं। शुक्रिया आपका डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो बड़ी खबर संसद सुरक्षा चूक मामले से जुड़ी हुई, इसके तार पश्चिम बंगाल से जुड़ रहे हैं। और उस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली पुलिस ने संसद सुरक्षा चूक मामले में आरोपी नीलम के घर से कुछ संदिग्ध चीजें बरामद की हैं, जिसमें एक डायरी मिली है। पुलिस ने घर में नीलम का कमरा भी खंगाला और अपने साथ नीलम के कमरे में रखे किताब को लेकर गई है और साथ ही दो बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी पुलिस ने हासिल किए हैं।